हेलो सलाम अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू शेशका न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मेरी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं के साथ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग बहुत मजेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। सब लोग फुल वॉच करना और चैनल पे जो लोग न्यू है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। तो अभी अभी बस सो के उठा हूँ, उठते साथ ही नहाया हूँ, नहाते साथ ही बहुत ज़्यादा लग रही है भूख मुझे। तो मामा से पूछते हैं क्या बनाया, क्योंकि रात को भी मैं कुछ भी नहीं खा के सोया, बस नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, रात को सो गया था मैं ऐसे। तो मामा से पूछते हैं कि क्या बनाया मामा ने खाने में। तो ये खड़ी है मामा किचन में, तो देखते हैं मामा क्या खा रही है। मामा ये क्या बना रही हो, नींबू पानी? मामा अभी नींबू पानी बना रही है क्योंकि स्कंजवी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बाजू पे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइट अभी आई है, नींबू पानी बनता है, नींबू पानी साथ में रोटी खाना खाते हैं फिर नींबू पानी के साथ। तो ये रहा हनी, हनी बाहर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा बाहर, आ जा बाहर, आ आ गया। बस ये हनी सुबह सुबह उठ के तंग करता है ऐसे, ये ऊपर आके इधर कंधे पे आके बैठता, इससे नीचे नहीं बैठता। हनी हनी, अरे पीछे हो, पीछे हो, हनी ए ऊपर आ, ऊपर आ। ये बहुत ज्यादा तंग करता है, पूरे दिन में ऐसे ही लगा रहता है। ये अब इधर आ जाएगा फिर नीचे चल जाएगा। अच्छा पप्पी दे। तो ये मामा बाहर आके नींबू पानी बना रही है। ये इसने तंग किया हुआ है हनी ने। ये कहता है बस ऐसे ना मुझे प्यार करो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे। मामा बन गया नींबू पानी ठंडा ठंडा। ये देखे बर्फ कितनी ज़्यादा डाल दिया मामा ने। अच्छा ये पापा इधर बैठ के खाना खा रहे हैं। ये शैरिशा भी नहा के आई है। और ये इधर गेम खेल रहा है। ये स्पंज भी आ गई है हमारी, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा है ठंडी। देखे गिलास, ये देखे सामने बिल्ली आ गई है, इंतज़ार कर रही है क्योंकि इसने दिए बच्चे तो पापा इसे ये पंजे डाल देते हैं। पापा के इंतज़ार में बैठी है, ये इसने खाना है, ये लेके जाना है इसने। ये पकड़ के चल जाएगी अपने बच्चों के पास, देखना। वो चलेगी पंजा लेके, क्योंकि पापा इसे रोजाना डालते हैं। ये फिर आ जाएगी बच्चों को दे के, फिर आ जाएगी। अभी दो मिनट का और स्टे है, इसके बच्चे इस फैक्ट्री के अंदर है, ये सामने इस साइड पे इसके बच्चे। ये देखिए अभी 5 मिनट हुए हैं, फिर आगे बैठ गई है, कहती फिर मुझे डाल दो पंजा। वो जाके अपने बच्चों को दे आई है, तो फिर आ गया खाने, इसे फिर डालने, इसने फिर लेके चले जाना।
अभी इसे डालते हैं पापा। आगे चले गई थी लाइट तो मामा ने छत पे जाके बिस्तर ही कर दिए ताकि छत पे जाके सो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है नीचे जब लाइट चल जाती है तो फिर सुबह 6 बजे उठ के आते हैं तो बहुत मज़ा आता है, फिर क्योंकि एयर कूलर की हवा भी बहुत ठंडी ठंडी लगती है। तो अभी मामा डाल रही है शाम का खाना, क्योंकि मैं छत पे सो गया था बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो ये बैठी है शेरिश, अभी रात का खाना खाने लगे हैं, चावल और मामा ने काले चने बनाए थे। ये मामा ने अभी चावल डाल दिए ऊपर काले चने डाल के, तो फिर खाते हैं। अभी पापा ने ये तोते के लिए एयर कूलर चला दिया क्योंकि नीचे भी गर्मी थी और ऊपर वाला पंखा भी चल रहा है साथ में। और अभी हनी के लिए बनाई थी फीड, जो कि ये 2 साल का हो गया अभी भी फीड खाता है, और ये कुछ खाता नहीं है बस फीड ही खाता है। तो सारे तोते देखे खुश है, किसी का भी मुँह नहीं खुला हुआ, नहीं तो रेगुलर दिनों में इनका ना ऐसे मुँह खुल जाता है, ऐसे मुँह खोल खोल के सांस लेते हैं, बहुत गर्मी लगती है इन्हें। हनी ये छत पे ना मामा ने बिस्तरे किए हैं, मामा ने और शेरिश ने मिलके। मामा छत पे हवा आया है कि नहीं? हाँ छत पे तो बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो गाइस बस आज का व्लॉग यहाँ तक ही, आई होप आप सबको पसंद, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले व्लॉग के साथ, बहुत मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दो तीन ही काफ़ी देर हो गई है हमारे, 5-6 दिन बाद आ रहा है व्लॉग, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉगिंग करूँ तो आपको, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग मिले, लोग हमारे चैनल पे विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें। तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करना कि रोज़ाना व्लॉगिंग करूँ। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का रखे ख्याल, ओके अल्लाह हाफिज़।